राजस्थान की धरती वीरों और सिद्धों की धरती रही है। इस धरती ने एक से एक सिद्धों और वीरों को जन्म देकर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा में अतुलनीय योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। भारतीय संस्कृति के प्रति अनन्य आस्था रखते हुए उनका प्रयास इन महापुरुषों और देवतुल्य माने जाने वाले सिद्ध साधकों की स्मृतियों को जीवंत रखना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार पुनः सिद्ध पुरुष तेजाजी महाराज की जन्मस्थली और उनसे जुड़ी अन्य स्थलियों की यात्रा पर जाने वाले हैं। जाट वीर धौलिया वंश गांव खरनाल के माए, आज दिन सबस भसे बस्ती फूला छाए। शब दिन चौदस वार गुरु शुक्ल माघ पहचान, सहस्त्र एक तौ तीस में प्रगटे अवतारी ज्ञान। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को वीर तेजाजी महाराज का पर्व मनाया जाता है, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। तेजाजी महाराज राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में काफी लोकप्रिय हैं। नवमी की पूरी रात रथ जगा करने के बाद दूसरे दिन दशमी को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजाजी मंदिर है वहां मेला लगता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारियल चढ़ाने एवं बाबा की प्रसादी ग्रहण करने तेजाजी मंदिर जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कौन थे तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी महाराज राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष थे। सत्यवादी श्री वीर तेजाजी जाट का जन्म माघ शुक्ल चौदस संवत 1130 के दिन सूर्योदय के शुभ मुहूर्त में नागौर जिले के खरनाल गांव के धौलिया गोत्रीय जाट घराने में हुआ। उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है। तेजाजी महाराज राजस्थान के 6 चमत्कारिक सिद्धों में से एक हैं। उन्हें सबसे बड़ा गौ रक्षक माना गया है। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बलि तक दे दी थी। तेजाजी महाराज के वंशज मध्य भारत के खिचलीपुर से आकर मारवाड़ में बस गए थे। वीर तेजाजी के पिता का नाम ताहरदेव और माता का नाम राजकुमारी था। तेजाजी के पिता गांव के मुखिया थे। तेजाजी महाराज बचपन से ही वीर, साहसी और अवतारी पुरुष थे। कहा जाता है कि जन्म के समय तेजाजी की आभा इतनी तेज थी कि उन्हें तेजा बाबा नाम दिया गया था। बचपन में ही उनके साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। तेजाजी का विवाह विक्रम संवत 1131 की पुष्कर पूर्णिमा को गोधली वेला में निश्चित किया गया। उस समय तेजाजी की उम्र मात्र 9 महीने और पेमल की उम्र 6 महीने थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तेजाजी ने अपने भाइयों के साथ पिता ताहरदेव और दादा बक्साजी से मल्लयुद्ध और भाला चलाना सीखा। काका आसकरण ने तेजा को तलवार चलाना सिखाया। 16 वर्ष के होने पर तेजाजी खरनाल वापस लौटे। उस समय खरनाल चोरों और लुटेरों के चौतरफा हमले झेल रहा था। तेजाजी ने आते ही खरनाल को चोर गिरोह के आतंक से मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि जब तेजाजी अपनी पत्नी को लाने उनके मायके गए तो वहां पर लोगों ने गायें चोरी होने की बात तेजाजी को बताई। तब तेजाजी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करें, तेजा जाट आप लोगों की एक एक गाय को वापस लेकर आएगा। तेजाजी अपने घोड़े लीलण को लेकर गायों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी तेजाजी ने देखा कि आग में एक नाग नागिन का जोड़ा फंसा हुआ था, जिसमें नागिन मर चुकी थी और नाग भी जलने वाला था। तेजाजी ने जीव दया करते हुए भाले की नोक से नाग को आग के घेरे से बाहर निकाल दिया।
नाग ने पलट कर तेजाजी को काटना चाहा। तेजाजी बोले, हे नागराज, मैंने तो आपका भला ही चाहा है और आप मुझे ही डसना चाहते हैं। इस पर नाग ने बोला, तेजा, तुमने मुझे बचाकर काफी अन्याय किया है। अभी मैं आग में मर जाता तो सीधा बैकुंठ जाता। मैं तुम्हें डसकर अपना बदला लूंगा। इस पर तेजाजी ने कहा कि मैं अभी चोरों के पीछे जा रहा हूँ गाय को छुड़वाने के लिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि वहाँ से लौटते समय मैं आपके पास आ जाऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। तेजाजी के वचन को सुनकर नाग ने उन्हें रास्ता दे दिया। जंगल में डाकू मीणा और वीर तेजाजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और तेजाजी ने सभी डाकुओं को मार दिया। उसके बाद तेजाजी घायल अवस्था में नाग के सामने प्रकट हुए। नाग ने कहा, तेजा, तुम्हारा तो पूरा ही शरीर कटा पिटा है, मैं दंश कहाँ मारूं? तब वीर तेजाजी ने नाग से कहा, हे नाग, मेरी जीभ सुरक्षित है, उस पर डस लो। वीर तेजाजी की वचनबद्धता को देखकर नाग उन्हें आशीर्वाद देता है कि इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्प दंश से पीड़ित होगा उसे तुम्हारे नाम की तांती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद नाग ने तेजाजी के जीभ पर दंश मारा और तेजाजी महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिछले वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना कर देशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की थी। वहीं 14 मई 2023 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल का दौरा किया। वहां पर उन्होंने देश में खुशहाली और अमन के लिए तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना की।